भाई ये क्या था? हेलो गाइस, तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग भाई ऐसी जगह में लेकर आए हूँ जिसका नाम है भाई दिलकुशा कोठी। होती थी राजा महाराज इसमें रहते थे भाई। ये पड़ता है जिस जगह में आया दिलकुशा में पड़ता है। तो ये भाई हमारे जो क्या गवर्नमेंटेड भाई ये मॉन्यूमेंट है, एक तरह कह सकते हैं हम लोग, इसे संरक्षित किया गया है। तो चलो चलते हैं भाई। ये है एंट्री गेट, देखो आप लोग, ये है एंट्री गेट। ये जैसा लिखा है आप लोग पढ़ पा रहे हो, दिलकुशा कोठी। देखो मैं अब आ चुका हूँ भाई अंदर। देखो एंट्री गेट ये है, कुछ अंदर में आ गया लोग, कुछ इस तरह का यहाँ पर अंदर से है। ये बताता हूँ यहाँ के बारे में, मैं बता दूँ ये जो कोठी है दिलकुशा कोठी ना, दिलकुशा कोठी को कि लास्ट किंग ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ने 1847 में बनवाया था। तो ये कुल मिला के भाई इसको बनवाने, इस कोठी को बनवाने में ना 9 साल लगे भाई, 9 ईयर भाई, बहुत ही बड़ी बात होती है। देख रहे हो भाई ये जो टेक्सचर है भाई, जो कितना का नाम है लखौरी ईंट है भाई, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन लखौरी ईंटों से बना हुआ है, वहाँ लिखा था बोर्ड में। ये कितना अच्छा स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से गेट है और इस समय तो इसे बंद किया गया है, मेरे ख्याल कुछ अंदर काम चल रहा था। देख रहे हैं क्या कर रहे हो भाई यहाँ पर आप सभी लोग? घूमने आए भाई। क्या नाम है भाई? और तुम्हारा क्या नाम है? अश्वनी। अच्छा, कब पहले कभी आए हो कि नहीं आप? आए हो। अच्छा, लखनऊ के रहने वाले हो क्या तीन लोग? चलो ठीक है भाई। हमारी जो दिलकुशा कोठी है इसके पीछे का हिस्सा है, कुछ इस तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। देख लो किनारे किनारे इस तरह के पेड़, पहले से बड़ी थी। आप लोगों को पीछे में पिक्चर अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बहुत ही बड़ी कोठी थी भाई। धीरे धीरे मतलब 200 साल भाई हो चुके हैं इस कोठी को। अभी तक मेरे ख्याल से 1800 में कुछ बनी थी। तो कोठी भाई धीरे धीरे खत्म हो गई, आधी हो चुकी है। जैसे पीछे इसके ऊपर वो भाई ये क्या था? ये देखो तोता उड़ निकला वहाँ से। तो भाई इसके ऊपर जैसे आपने देखा धीरे धीरे यहाँ पर सब जितनी भी चीज़ें नष्ट होती जा रही हैं। एक पीपल का पेड़ है मेरे ख्याल से, देख लो। और जस्ट उसके सामने भाई ये है मेन, देख लो ये थी कोठी मेन, यहाँ पर देख लो इतनी बड़ी थी। ये तो अब आधी बची हुई है, अब बिल्डिंग ऐसी पूरा बेस ही बचा हुआ है। देखो ये है पिलर, टूट चुके हैं। ये देखो ये पिलर हैं, तीन पिलर आपको दिख रहे हैं। तो बस ये हमारे आशुतोष भाई वहाँ पर हैं, कुछ अपने फोटोग्राफी का स्किल दिखा रहे हैं, फोटोग्राफी किए हुए हैं। तो भाई आशुतोष भाई क्या कर रहे हो? भाई ब्लॉग बन रहा है। इधर देखिए हमारे विवेक भाई यहाँ पर हैं। हेलो भाई। हेलो आशुतोष भाई क्या कर रहे हो? ऊपर तो उड़ दो, हमारे शूट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिनेमैटिक लेने की शूट हो रही है। हाँ दिख ही रहे हैं, जगह बहुत अच्छी लगी मेरे को। और यहाँ पर आप लोग आइए और क्या, और यहाँ पर लुत्फ उठाइए, थोड़ा सा आप पिकनिक विकनिक मनाने आ सकते हैं। तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, तो काफी अच्छी हवा है। भाई का भाई टाइम लैप्स बेकार कर दिए, देखो मैं 20 से आ गया। उधर लोग निकल के आ रहे हैं। ये ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू है, पूरी बड़ी कोठी का देख रहे हैं। ये दूर से देखो यूँ, ये चारों तरफ का कुछ इस तरह का नज़ारा है। भाई के चैनल का भाई सपोर्ट करो। अगर आप सभी लोग पहली बार देख रहे हो भाई, आज टेक्निकल आशु और एसवी टेक कोशिश कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी देने की। अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर मारना, हो सके तो शेयर भी। रुको एक मिनट, चलो भाई आप देखते हैं अंदर कुछ यहाँ पर क्या है। मैं भी पहली बार आ रहा हूँ भाई, देखते हैं। कुछ गुफा टाइप की लग रही है भाई, नथिंग भाई, एक सर्किल है बीच में और ऊपर एक ये पूरी बिल्डिंग इसी में मेरे खड़ी हुई है। हाँ, किसी मुझे छुपने उपने के लिए मेरे ख्याल से बनाए होंगे भाई, मुझे आई डोंट नो क्या है, कुछ आइडिया नहीं भाई। देखो पहले ईंटें देखो, चूना भाई मिट्टी लग रही है, देखो इतनी पतले पतले ईंटें हैं, क्या बताया। चलो हम और वेग भाई अब अंदर जा रहे हैं बिल्डिंग के एकदम सेंटर में। बहुत छोटा है, देख लो इस साइड से कुछ इस तरह का भाई, झुक के जाना पड़ेगा। हम लोग की इतनी हाइट हो चुकी है भाई कि हम लोग झुक के जाना पड़ेगा। ये देख लो भाई, ये कह सकते हैं जो रेजिडेंसी वाला ओल्ड रेजिडेंसी का, बट वो उससे डिफरेंट है भाई, थोड़ा है। हाँ देख लो ये दरवाजा भाई, यहाँ देखो। हाँ, यहाँ से अगर देखेंगे ना एकदम सीरियल भाई, 3-4 दरवाजे एक साथ बने हैं। चलो भाई चलते हैं, वीडियो पर अच्छी लगेगी नहीं अंदर का सीन। कैसा लगा भाई आप सभी लोग को? देखे कोठी कुछ इस तरह की थी। मैं आ चुका हूँ, देख लो उसी जगह पे जहाँ पर राजा महाराजा बैठते थे पहले। अब मैं भी यहीं बैठता हूँ, देखता हूँ किस तरह की फीलिंग आती है। फीलिंग तो भाई नॉर्मल है वैसी ही है। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ भाई। आप सभी लोग बताना ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को। अगर वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो भाई लाइक देना। अगर आप सभी को आना चाहते हैं, यहाँ की मैं लोकेशन दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आ जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो बस मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।